नमस्कार दर्शकों, केएनएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सपरिवार अपने साले से राजनांदगांव के सोमनी में मिलने चले गए थे। अगले दिन सुबह घर पहुंचे तो मेन गेट का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी के लॉकर का ताला टूटा मिला। लॉकर में रखी 3 लाख रुपए की नकदी समेत सोने के व गहने गायब थे, जिसमें सोने की चेन, सोने का हार, चांदी की पायल समेत अन्य सोने चांदी के आभूषण शामिल थे। प्रार्थी के मुताबिक सभी गहनों की कीमत करीब 10 लाख मीमली रुपए है। शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है कि साथ ही घर और आसपास से लगे सीसीटीवी की फुटेज की जांच शुरू कर दी गई है। रात को पसंद हो शाम के नाम किशोर गर्ग है। मैं यहाँ रहता हूँ सिकोला भाटा पे जी। आपका काम बताइए। मेरा ट्रेडिंग का काम है, मेरा झाड़ू पोछा ट्रेडिंग का काम है। गांव देहात में घूम घूम के सेल्स करता हूँ। चोरी हुई है? हाँ, हम लोग परसों शनिवार को दोपहर को मैं, मेरी भाई, मेरे यहाँ सारू भाई के यहाँ हम लोग घूमने गए थे। तो 4 बजे के आसपास गए और सुबह, फिर रविवार को सुबह 4-4:30 बजे ये मेरे घर चोरी हुई। तो उस दरमियान यहाँ मैं वॉकिंग में जाता हूँ सुबह, तो मेरे को जो उठाने आए तो मेरे को फ़ोन लगाया भैया कि ऐसा ऐसा घटना हो चुका है, ताला टूट चुका है और फिर आप जाके थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, यहाँ भी हो तो ऐसा करके। तो मोहल्ले वाले लोग और परिचित के लोग को मैं बोला मैं कि आप लोग वहीं पे रहना, FIR कराते हैं। तो पुलिस वाले के साथ आके घर में सब देखे। लगभग कितने की चोरी है? मेरा लगभग जेवर और कैश मिला के 12.5-12 लाख की चोरी हुई है।